So what we did, we talked about functioning of financial markets in the previous class. And what we are going to do in this class, we are going to continue with this. So main thing in a stock market or in a market is price determination. Okay? We see a lot of fluctuations in the market. In the market, mein aap jab bhi jaoge, aap dekhoge ki price badh rahi hogi, kam ho rahi hogi. Theek hai? तो ये प्राइस रिटर्न कैसे होती है? तो मेन जो इसका अंडरलाइंग रूल है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, तो जहां डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाए, हम बोलते हैं कि दैट इज आवर प्राइस. तो अगर डिमांड बढ़ रही होगी किसी भी स्टॉक की, किसी भी कमोडिटी की, तो उसकी प्राइस बढ़ रही होगी. और अगर डिमांड जो है वो कम हो रही होगी, तो हमारी प्राइस जो है वो कम हो रही होगी. एंड वाइस वर्सा फॉर सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ रही होगी तो हमारी प्राइस कम हो रही होगी, और अगर सप्लाई जो है वो कम हो रही होगी तो हमारी प्राइस जो है वो बढ़ रही होगी. ठीक हो गया. अच्छा, इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम बात करते हैं कि देर आर प्लेयर्स इन द मार्केट, मतलब कुछ डीलर्स भी होते हैं हमारे मार्केट में, कुछ हमारे ब्रोकर्स भी होते हैं मार्केट में. तो अगर हमारी एक बड़ी मार्केट है, तो उस मार्केट में डीलर्स हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस ओवर प्राइस. मतलब ये नहीं हो सकता कि डीलर जो है वो किसी एक स्टॉक को जो है वो होल्ड करना शुरू कर दे या उसको खरीदना शुरू कर दे, और वो इतना ज्यादा खरीद ले कि डिमांड और सप्लाई पे असर हो जाए. ठीक है, और डीलर जो है वो प्राइस को ऊपर ले जाए, डीलर प्राइस को नीचे ले जाए. ठीक है. अच्छा, अब अगेन द थिंग इज, मतलब डीलर का इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होता? क्योंकि डेफिनेटली द थिंग इज कि डीलर भी अपने फायदे के लिए काम कर रहा होता. ठीक है, simply if they want to keep price higher, they would have to increase demand from their own pocket. So simply, अगर आपको price को increase करना है या किसी higher level पे price को sustain करना, तो आपको अपनी जेब से फिर stock खरीदना पड़ेगा to increase the demand. ठीक है, और in that case you would be purchasing at a higher price. ठीक है, जो कि हो सकता है कि rational price ना हो. ठीक है, तो कोई भी dealer नहीं चाहेगा कि वो किसी चीज को महंगा खरीदे. ठीक है, और डीलर्स के भी रिसोर्सेज हैं, वो एक हद तक खरीद सकता है स्टॉक्स को. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट की डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली प्राइस को डिटरमाइन कर देगी, एडजस्ट कर देगी. ठीक है, इसी तरह से इफ दे वांट टू कीप प्राइस लोअर, दे वुड हैव टू इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम देयर ओन पॉकेट. मतलब सिंपली उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना स्टॉक बेचना पड़ेगा, या उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अल्टरनेटिव वे से, जिस तरह शॉर्ट सेलिंग है, उससे जो है वो सप्लाई को उठाना पड़ेगा. ठीक है, और अगर वो बहुत ज्यादा सप्लाई को या डिमांड को छेड़ेगा, तो उसमें उसको नुकसान जो है वो हो सकता है. लेकिन डीलर्स क्या करते हैं, डीलर इंश्योर ऑर्डर एंड सैनिटी इन द मार्केट. ठीक है, डीलर जो है वो आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ा या कम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उन्हें नुकसान होने का खतरा जो है वो होता है. तो डीलर्स क्या करते हैं, डीलर ना रैशनल ऑर्डर पे ऑर्डर एक ना मार्केट में ना मेंटेन रखते हैं, या डीलर जो उनकी एक्चुअल प्राइस होती है स्टॉक की, उस प्राइस तक स्टॉक को जो है वो लेके आने की कोशिश जो है वो करते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास, सपोज हमारे पास एक स्टॉक है, सपोज हमारे पास एक स्टॉक है, और वो स्टॉक की एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है, एक्चुअल वैल्यू जो है, ठीक है, दैट इज 30. ठीक है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस अभी जो चल रही है, दैट इज सपोज 28. ठीक है, तो इन दैट केस एक 30 रुपए की चीज है, जो कि मार्केट में कितने की मिल रही है, 28 की मिल रही है, और इसकी प्राइस कम क्यों हुई है, क्योंकि इसकी अगेन डिमांड कम है. ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपका डीलर जो है वो इसको 28 पे खरीद लेगा. ठीक है, और डीलर डिमांड को बढ़ाएगा ताकि इस स्टॉक की वैल्यू 30 तक चली जाए. ठीक है, तो जैसे इसकी वैल्यू 30 तक आएगी, वो बाइंग को रोक देगा. ठीक है, क्योंकि अगेन द थिंग इज के 30 की चीज वो 28 की खरीद रहा था. ठीक है, जो प्राइस अपने एक्चुअल लेवल पे जो है वो आ गई, तो उसने भी ट्रेडिंग उसमें परचेज करना उसको जो है वो बंद कर दिया. ठीक है, तो इसी तरह से अगर प्राइस हमारी जो है वो सपोज हमारी मार्केट प्राइस जो है वो इससे बढ़ गई है. ठीक है, लाइक सपोज 35 पे चली गई है, इन दैट केस क्या करेगा डीलर यहाँ पे फिर सेल करना शुरू कर देगा, जब तक प्राइस 30 पे नहीं आ जाती.
क्योंकि 30 से ऊपर वो जितने का भी सेल करे उसको फायदा है, और 30 से नीचे वो जितने का भी बाय करे उसको फायदा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है, डीलर्स कोशिश ये करते हैं कि प्राइस अपने एक्चुअल लेवल, जो एक्चुअल इनका लेवल है, जो अंडरलाइंग एक्चुअल लेवल है, उस तक मेंटेन रहे। ठीक है, तो डीलर्स व्हाट डीलर्स डू, डीलर्स स्टार्ट बाइंग इफ प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब दे सिंपली मैच द डिमांड विद सप्लाई। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दे स्टार्ट सेलिंग इफ प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, दे मैच सप्लाई विद and demand and prices fall to the equilibrium. So in that case, price हमारी market में हम ये कह रहे होते हैं कि price actual value के around या actual value पे ही रहती है। ठीक है, इसकी वो subsequent एक theory भी है, वो हम अगर हमारे पास time हुआ तो हम discuss करेंगे, efficient capital market theory है। अच्छा, तो dealer क्या करता है, dealer is required to sell purchase one round of lot and after that bidder ask can be revised. तो हमने discuss किया था कि हमारे पास जो है मार्केट में लॉट्स में ट्रेडिंग होती है, कि आप लॉट बेच रहे होते हो, तो डीलर जो है जब वो एक लॉट बेच लेता है तो क्या होता है, फिर वो प्राइस को रिवाइज कर सकता है। तो हर नेक्स्ट लॉट पे वो प्राइस को जो है रिवाइज करता जाएगा, और अल्टीमेटली कोशिश ये होगी कि जो प्राइस है वो एक्चुअल लेवल पे उस तरह से जो है वो पहुंच जाए। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके बाद सिंपली जो मैकेनिज्म है, मतलब इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज व्हाट दैट पर्सन शुड डू, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं दे परचेज सिक्योरिटीज थ्रू ब्रोकर्स। ठीक है, अब मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं, एक ब्रोकर होते हैं, एक डीलर्स होते हैं। डीलर्स जो हैं वो हमने पढ़ा कि वो अपने अपने लिए भी ट्रेड कर रहे होते हैं, और डीलर्स जो हैं वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए भी ट्रेड कर रहे होते हैं। ब्रोकर सिर्फ एजेंट होते हैं जो कि अपने इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेड करते हैं, और हर ट्रेड पे इनका कमीशन आ जाता है। तो इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, उसे क्या करना होगा, उसे किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना होगा। ठीक है, और ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा के वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, वो इंडिविजुअल जो है वो बाय और सेल कर सकता है। वो अपने ब्रोकर को कहेगा कि इस स्टॉक को खरीद लो, ब्रोकर स्टॉक खरीद लेगा। वो ब्रोकर को कहेगा कि स्टॉक को बेच दो, वो स्टॉक को जो है वो बेच देगा। ठीक है, और हर ट्रेड में ब्रोकर को जो है वो कमीशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो ब्रोकर बेसिकली इज एन एजेंट हु हैंडल्स बाय एंड सेल ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं मार्केट में। ठीक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द ब्रोकर आर आल्सो डीलर। ठीक है, तो ब्रोकर जो है वो डीलर भी होता है, और ब्रोकर जो है वो ब्रोकर भी होता है। समटाइम्स जो है वो ब्रोकर जो है वो सिर्फ ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो डीलर नहीं होता, मतलब वो अपने लिए उस तरह से जो है वो खरीद या बेच नहीं रहा होता। ठीक है, तो ब्रोकर जो होता है वो एक्सपर्ट नहीं होता हमारा, और ब्रोकर को क्या मिल रहा होता है, ब्रोकर को हर ट्रेड के अगेंस्ट कमीशन मिल रहा होता है। ठीक है, तो ए पर्सन हु इज ट्रेडिंग थ्रू द ब्रोकर, उसको ब्रोकर की एडवाइस को जो है वो देख के परसू करना चाहिए। ये समटाइम्स ये होगा कि एक्चुअल में कोई भी, मतलब आपका ब्रोकर का फोन आता है, ब्रोकर आपको कहता है कि जी एक स्टॉक है, इसकी वैल्यू में इजाफा होने के चांसेस हैं। आप उसके कहने पे स्टॉक खरीद लेते हो, उसका कमीशन पक्का हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि हो सकता है कि प्राइस ना बढ़े। तो ब्रोकर एक्सपर्ट नहीं होता जी। ठीक है, तो आपको उसकी अगर एडवाइस लेनी भी है तो उस एडवाइस के अगेंस्ट आपको ये देखना है कि आप ब्रोकर को उस एडवाइस का बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा, क्या वो अपने कमीशन के लिए तो ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस काम के लिए ब्रोकरेज हाउसेस मोस्टली दे एम्प्लॉय एनालिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने एम्प्लॉय एनालिस्ट रखे होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, जिनके पास CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की डिग्री का डिप्लोमा वगैरह होता है। ठीक है, दे एनालिस्ट वर्क्स एनालिस्ट टू एनालिस्ट बेसिकली ट्राई टू एनालाइज द स्टॉक्स। ठीक है, एंड दे आर फोकस्ड ऑन द सेल साइड। ठीक है, सेल साइड का मतलब ये एक एनालिस्ट जो है वो फोकस्ड रहेगा कि किस तरह से कौन सा स्टॉक बढ़ेगा ताकि उस स्टॉक को जो है वो सेल किया जा सके टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि जितनी ज्यादा ब्रोकरेज की एक्टिविटी होगी, जितना ज्यादा इन्वेस्टर जो है वो ब्रोकर के थ्रू परचेज या सेल करेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा जो है वो उसका कमीशन बनेगा। ठीक है, तो रिमेंबर ब्रोकर्स लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन जनरेटेड कमीशन।
सो बी कॉशियस ऑफ देयर एडवाइस, के मतलब सिंपली आपको उनकी एडवाइस को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि उसने कह दिया तो प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी, आपको अपना एनालिसिस भी करना है और अपने एनालिसिस के बाद आपको जो है वो डिसाइड करना है कि ये प्राइसेस को हमने कहाँ पे एस्टिमेट किया हुआ है और प्राइसेस बढ़ेंगी और हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ट्रेडिंग पोजीशंस क्या होती हैं जी मार्केट में, मतलब अगर आपने मार्केट में ट्रेड करना है तो जनरली दीज आर द स्पेसिफिक जारगून या दीज आर द स्पेसिफिक टर्म जो के इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो मार्केट की दो कंडीशन उस तरह से होती हैं जो कि मोस्टली जिनको हम रेफर करते हैं, एक बुल कंडीशन होती है। बुल हम बोलते हैं इट इज ए कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस राइज इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज कर रही है तो हम उसको बुल रन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बियर इज एक कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग मार्केट, कि मार्केट अगर जो है वो डिक्लाइन कर रही है तो उसको हम बियर कहते हैं। मतलब दिस इज अबाउट के हाउ बुल एंड बियर अटैक समवन। ठीक है, अगर बुल किसी को अटैक करता है तो वो क्या करता है, तो सींग मार के उठा लेता है उस इंडिविजुअल। तो सिंपली अगर इफ मार्केट इज हिट बाई बुल रन तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, और बियर अगर किसी को अटैक करता है तो क्या करता है, वो उसको नीचे गिरा लेता है। तो अगेन अगर बियर रन है तो उसका मतलब कि प्राइसेस जो है वो नीचे जा रही है। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब इज के इफ देयर इज बुल मार्केट यू परचेज द सिक्योरिटीज और टेक द लॉन्ग पोजीशन। तो परचेजिंग को हम लॉन्ग पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ यू आर इन बियर मार्केट तो यू सेल सिक्योरिटीज और यू टेक द शॉर्ट पोजीशन। तो ये भी मार्केट की अगेन उस तरह से जो है वो टर्मिनोलॉजी है, कि अगर हम सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो वी आर टेकिंग लॉन्ग पोजीशन, अगर हम सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन ऑन सम स्पेसिफिक सिक्योरिटी। अच्छा, अब यहाँ पे वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यू कैन डू शॉर्ट सेलिंग इन द मार्केट। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग इज बेसिकली सेल ऑफ सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर डिलीवरी। ठीक है, सिंपली इसको आप इस तरह से देख सकते हो शॉर्ट सेलिंग को। शॉर्ट सेलिंग को आप इस तरह से देख सकते हो, सिंपली यू डोंट हैव, सिंपली यू डोंट हैव स्टॉक ऑफ सपोज PIA। ठीक है, आपके पास PIA का स्टॉक नहीं है। ठीक है, लेकिन यू एक्सपेक्ट that price of PIA will decline. अच्छा, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो डिक्लाइन करेगी फ्रॉम 50 टू सपोज 40। ठीक है, लेकिन आपके पास स्टॉक नहीं है कि आप 50 पे बेच दें आज और बाद में 40 पे खरीद लें। तो what you do short selling in this situation. Short selling में आप क्या करते हो, ठीक है, आप अपने ब्रोकर को कहते हो, ठीक है, कि लेंड मी PIA स्टॉक। आप ब्रोकर को कहते हो कि जी मुझे ना PIA का स्टॉक उधार दे दो। ठीक है, अच्छा, वो आपके लिए PIA का स्टॉक उधार अरेंज कर देता है। जब वो आपके लिए PIA का स्टॉक उधार अरेंज करता है तो यू व्हाट यू डू, यू सेल द स्टॉक एट 50। आप 50 रुपए का जो है वो स्टॉक बेच देते हो आज। ठीक है, अच्छा, एंड वेट, और फिर वेट करते हो कुछ अरसे तक। अच्छा, अगेन व्हेन प्राइस डिक्लाइन टू 40, जब प्राइस 40 पे डिक्लाइन करेगी, ठीक है, व्हाट यू वुड डू, यू विल परचेज फ्रॉम मार्केट एंड रिटर्न टू ब्रोकर और डीलर। ठीक हो गया, अब सिंपली स्पीकिंग आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने स्टॉक को खरीदा नहीं है, आप स्टॉक को उधार लेंगे, उधार लेके स्टॉक को बेच देंगे हायर प्राइस पे, और अगर प्राइस गिर जाती है तो आप कम प्राइस पे खरीदेंगे और अल्टीमेटली जो ब्रोकर या डीलर है उसको वापस कर देंगे, आप उसको वापस कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये शॉर्ट सेलिंग का बेसिक मैकेनिज्म है उधर। ठीक हो गया, अच्छा,
अब यहाँ पे अगेन शॉर्ट सेलिंग की डिटेल हम थोड़ी देर में उस तरह से जो है देखते हैं कि इसके रूल्स वगैरह जो है वो क्या है, लेकिन जो सिंपल कॉन्सेप्ट है दैट इज सिंपल कि आपने स्टॉक को उधार लिया और आपने स्टॉक को जो है वो बेच दिया, तो कल को जब प्राइस डिक्लाइन की तो आपने प्राइस जो है वो स्टॉक खरीदा और स्टॉक को वापस कर दिया। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, आपको ये स्टॉक वापस करना होता है चाहे प्राइस इंक्रीज करे या प्राइस इंक्रीज ना करे। अगर प्राइस डिक्रीज करे या प्राइस डिक्रीज ना करे, तो इन केस प्राइस जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इंक्रीज कर जाती है, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस अल्टीमेटली आपको फायदा हो रहा होगा। ठीक है, अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज नहीं करती बल्कि इंक्रीज कर जाती है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी जो है वो हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती हैं, मतलब डेफिनेटली व्हेन यू ट्रेड इन द मार्केट तो आपको जो है वो कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगेन आप ब्रोकर को उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट कमीशन देते हो, तो ब्रोकर जो है वो फुल रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो वो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराता है, मतलब आप उसे कहते हो जी कि ये जी शेयर खरीद लो, ये शेयर बेच लो, तो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर जो है वो आपको जो है वो इस चीज की सर्विस प्रोवाइड करेगा कि आपके बिहाफ पे खरीदेगा, आपके बिहाफ पे बेच देगा, मतलब आपका ब्रोकर आपकी सिक्योरिटीज को सेफ कीपिंग के लिए भी आप उसके पास रखवा सकते हो कि जी शेयर मेरे जो है वो आप अपने पास जो है वो रख लो। ठीक है, अच्छा, ब्रोकर से आप लोन भी ले सकते हो जिसको हम मार्जिन लोन कहते हैं, तो ब्रोकर से लोन लेके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। ब्रोकर आपका शॉर्ट सेल को भी फैसिलिटेट करता है, मतलब सिंपली अगर आपके पास स्टॉक नहीं है और आप स्टॉक बेचना चाह रहे हो तो ब्रोकर क्या करेगा, आपको स्टॉक को क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रोकर आपको इन्फॉर्मेशन और एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि जी स्टॉक जो है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर में। ठीक है, और मुख्तलिफ स्टॉक की इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या सिंपल इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको ब्रोकर उस तरह से प्रोवाइड जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, ब्रोकर के पास रिसर्च स्टाफ होता है, आप ब्रोकर को कह सकते हो कि मुझे कोई स्पेसिफिक किसी स्टॉक पे एनालिसिस करके दो और मुझे उसकी फोरकास्ट कर दो, बाइंग और सेलिंग, और मुझे रिकमेंड करो कि मैं खरीदूं या ना खरीदूं। ठीक है, तो आपका ब्रोकर जो है आपके कहने पे आपको जो है वो रिसर्च स्टाफ से आपको रिकमेंडेशन भी ले देता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगेन आप समटाइम्स ब्रोकर को डिस्क्रिशनरी अकाउंट भी दे देते हो, मतलब इन दैट केस ब्रोकर हैव कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द अकाउंट। आपने ब्रोकर को कहा होता है कि यार आप करोगे कि कोई फायदा हो रहा है तो मुझसे पूछे बगैर ही स्टॉक खरीद लेना और मुझसे पूछे बगैर ही स्टॉक बेच देना। मतलब तीन लेवल्स हैं, एक ये कि ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उन सर्वो रेगुलर सर्विसेज हैं जिसमें आपकी सिक्योरिटी खरीदी बेची जा रही है, आपको जो है मार्जिन लोन्स मिल रहे हैं या आपको शॉर्ट सेलिंग में फैसिलिटेशन आपकी हो रही है। दूसरा ये है कि आप ब्रोकर आपको स्पेसिफिक एनालिसिस करके बाय और सेल की रिकमेंडेशंस भी दे रहा है। ठीक है, और तीसरा ये है कि ब्रोकर आपने ब्रोकर को भी छोड़ा हुआ है कि जी मेरे अकाउंट में जिस तरह मर्जी ट्रेड वगैरह उस तरह से जो है वो करो। ठीक हो गया। तो इन दैट केस अल्टीमेटली जो डिस्क्रिशनरी अकाउंट है इस, ये अगर आप उस तरह से कर लोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ब्रोकर कैन ओवर ट्रेड, तो ब्रोकर जब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करेगा तो आपको क्या हो रहा होगा, बहुत ज्यादा सारी ब्रोकरेज का कॉस्ट पड़ रही होगी इन फॉर्म ऑफ कमीशन वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, तो इन 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 दैट सिनेरियो आपका जो सिर्फ डिस्काउंट, मतलब एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो ये तीनों सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि कोई एडिशनल सर्विस आपको नहीं दे रहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट करा रहा है, आपकी सिक्योरिटीज को रख रहा है और शॉर्ट सेल आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन उस तरह से जो रिसर्च की इन्फॉर्मेशन है बाय सेल रिकमेंडेशन वो नहीं दे रहा, डिस्क्रिशनरी अकाउंट की फैसिलिटी भी उस तरह से जो आपको नहीं दे रहा। तो ये ब्रोकर सिर्फ प्राइस कोटेशन आपको लेता है इन्फॉर्मेशन में, बाकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है या डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपका डिस्काउंट ब्रोकर आपको नहीं देता है। ठीक हो गया। तो ब्रोकर का जो कमीशन है ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है कि जैसे जैसे आप ट्रेड करते रहेंगे
ठीक है, वैसे वैसे आप जो है वो अल्टीमेटली ये है कि आपको कॉस्ट जो है वो उसकी बियर करनी पड़ेगी। आप सपोज अगर 100 रुपए की ट्रेडिंग करते हैं और ब्रोकर आपसे 2% चार्ज कर रहा है, 2 रुपए वो ले जाएगा, 98 रुपए आपको जो है उस तरह से आएंगे। ठीक है, दूसरा डीलर का जो बिड और आस्क स्प्रेड है दैट आल्सो रिप्रेजेंट द इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक हो गया, हम सिंपली स्पीकिंग अगर आप जो है वो बाय कर रहे हो, डीलर ने बिड दिया और डीलर ने आपको आस्क रेट दे दिया। ठीक है, बिड वो सपोज कहता है कि जी 28 है और आस्क जो है ना वो सपोज है 30। ठीक है, तो इन दैट केस डेफिनेटली जब आप इस डीलर को बेचेंगे, ठीक है, तो यू विल सेल एट 28। ठीक है, व्हेन यू विल बाय तो यू विल बाय एट 30। तो दिस आल्सो रिप्रेजेंट द कॉस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली डीलर जो है वो अपना मार्जिन रख के आपको उस तरह से जो है वो बेच रहा होता है। तो आपका वो मार्जिन, ये मार्जिन समटाइम्स आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट इसको कहा जाता है, क्योंकि आपकी जेब से तो उस तरह से डायरेक्टली नहीं जाता, मतलब जिस तरह से ब्रोकर जो है वो आपकी ट्रेड का कट लेता है, उस तरह से ये कट डायरेक्टली आपको फील नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली दिस आल्सो रिप्रेजेंट द कॉस्ट। तो ये भी आपकी इस तरह से ट्रेडिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट उस तरह से जो है वो करता है। ठीक हो गया, अच्छा जी, नेक्स्ट इज बाइंग ऑन मार्जिन। अच्छा, जिस तरह से हमने शॉर्ट सेलिंग की बात की, इसी तरह से मार्जिन बेसिकली इज लोन। तो बाइंग ऑन मार्जिन इज सिंपली, ठीक है, बाइंग ऑन मार्जिन इज सिंपली बाइंग ऑन लोन। ठीक है, अच्छा, अब बाइंग ऑन मार्जिन सिंपली क्या है कि आप डीलर को ये कहते हो कि जी मुझे ना लोन चाहिए, डीलर आपको लोन अरेंज करके देता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। ठीक हो गया, अच्छा, इस लोन को आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो आपको अगर फायदा होता है तो आप क्या करते हो, सिक्योरिटीज बेचते हो और डीलर का लोन उसको वापस कर देते हो और अपना प्रॉफिट खुद ले लेते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लोन होता है दिस बेसिकली इज एन इजी लोन, जिसको हम ब्रोकर्स कॉल लोन कह सकते हैं। ब्रोकर्स कॉल लोन का मतलब ये है कि ब्रोकर ने आपको लोन दिया तो ब्रोकर किसी भी टाइम ये लोन वापस ले सकता है। ठीक है, अच्छा, अब सिंपली यहाँ पे होता इस तरह से है कि आप सपोज मतलब यू वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, कितना 100 की इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ना लोन ले लेते हैं सपोज 50 का, और 50 आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। ठीक हो गया, अच्छा, इन दैट सेंस क्या होगा, ठीक है, आप 100 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू 50's रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास 50 रुपए थे, आप इस 50 रुपए से ना 100 रुपए की पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हो क्या रहा होगा, सपोज आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू इंक्रीजेस टू सपोज हम कहते हैं कि 120, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 120 पे चली जाती है। ठीक है, तो आपका जो रिटर्न होगा, रिटर्न वुड बी इक्वल टू 120, ठीक है, माइनस 100 की इन्वेस्टमेंट, और माइनस क्या होगा इसमें, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, सपोज मैं कहता हूँ 5 रुपए का आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो माइनस दैट 5, तो 15 रुपीज का आपका क्या हो जाएगा, 15 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और इन दैट केस जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो दैट वुड बी 15/50, ठीक है, दैट वुड बिकम अराउंड 30%। अच्छा, अगर आप ये अपनी इन्वेस्टमेंट से करेंगे सारे का सारा, तो रिटर्न क्या होगा, तो रिटर्न वुड बी इक्वल टू 120 - 100, तो रिटर्न वुड बी 20। इसको आप अगर देखेंगे तो आर ओ आई वुड बी 20/100, दैट वुड बी 20%। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट निकाल के भी ना आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको हाई मिल रहा होता है। तो इन दैट केस वी प्रेफर मार्जिन फाइनेंसिंग, लेकिन मार्जिन फाइनेंसिंग इज रिस्की एज वेल। सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि प्राइस एक्चुअली डिक्लाइन टू 80, तो प्राइस अगर 80 पे डिक्लाइन कर जाती है तो आपको ऑब्वियसली बात है कि 20 रुपए का नुकसान भी है और 5 रुपए का आपने इंटरेस्ट भी देना है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 25 रुपए पड़ेगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपका जो रिटर्न है, तो ऑन द अदर हैंड अगर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है तो आपकी कॉस्ट सिर्फ 20 रुपए पड़ेगी।
तो अल्टीमेटली दोनों सूरतों में आपको फायदा हो या नुकसान हो, जो मार्जिन ट्रेडिंग है ये आपके फायदे या नुकसान को बढ़ा देती है। ठीक है, तो बेसिकली इन्वेस्टर बारो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ब्रोकर। ठीक है, तो मार्जिन बेसिकली इज व्हाट, मार्जिन इज इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर। तो मार्जिन इज व्हाट, मार्जिन बेसिकली इज इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मार्जिन जो है दैट वुड बी इन्वेस्टर कितना मार्जिन जो है वो लगा रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूशन, तो जो अपने आपके रिसोर्सेज हैं दो, दैट वुड बी कॉल्ड मार्जिन। ठीक है, तो ब्रोकर में रीफाइनेंस विद बैंक और कॉल एट ऑन कॉल मनी रेट, मतलब दिस कॉल मनी रेट आर द लोएस्ट रेट। आपने देखा होगा हमने ना रेपो पढ़ा था। ठीक है, रेपो, ठीक है, तो रेपो बेसिकली ओवरनाइट कॉल, ओवरनाइट कॉल मनी होती है, रीपरचेज ऑर्डर्स होते हैं ये। ठीक है, तो जो आपका ब्रोकर है वो अपनी जेब से पैसे दे सकता है या फिर वो किसी बैंक से जो है वो कॉल मनी रेट पर जो है वो पैसे उठा सकता है। These are the lower rates, मतलब ये आपको जो regular rate होते हैं long term के उनसे कम ये rate आपको जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब investor को क्या करना होता है, investor ने अगर margin पे करना है, invest करना है, तो investor has to pay interest rate and service charge। तो investor ना सिर्फ उस loan पे interest pay करेगा बल्कि उस loan के against एक थोड़े से service charges भी जो है वो ब्रोकर को उस तरह से जो है वो देगा। ठीक है, तो सिक्योरिटीज जो है दे सर्व एज कोलैटरल, मतलब आप अगर सिक्योरिटी खरीदेंगे तो ये सिक्योरिटी ब्रोकर अपने पास रखेगा ताकि जो है वो उसको श्योरिटी रहे कि आप पैसे वापस जो है वो कर देंगे। तो रेगुलेटर्स जो है वो इनिशियल मार्जिन की रिक्वायरमेंट को सेट करता है, मतलब स्टेट बैंक है या हमारे पास जो SECP है, दे विल सेट के मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, मतलब इन्वेस्टर को कम से कम कितने जो है वो इन्वेस्टर को कम से कम कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, जिसको हम इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं। तो इनिशियल मार्जिन अगर 50% है तो 50% ऑफ द परचेज प्राइस विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर। ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल मार्जिन, सपोज इनिशियल मार्जिन जो है, अगर इनिशियल मार्जिन सपोज हम कहते हैं 60% है सपोज, ठीक है, तो क्या होगा, और हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं सपोज वी वांट टू इन्वेस्ट 500। ठीक है, तो हमें इन्वेस्टर को कितना करना पड़ेगा जी, इन्वेस्टर का शेयर कितना होगा, दैट वुड बी 500 मल्टीप्लाइड बाई 60%। ठीक है, तो इन्वेस्टर 300 लेके आएगा। ठीक है, और इसमें जो है वो लोन का शेयर कितना होगा, ठीक है, लोन विल बी अगेन 40%। ठीक हो गया, तो हमारा जो है वो लोन विल बिकम 200। तो ये इनिशियल मार्जिन हमारा उस तरह से जो है वो कहलाएगा। इसके बाद आपको मेंटेनेंस मार्जिन जो है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, मेंटेनेंस मार्जिन सिंपली इज द प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो कि आपको लाजमी मेंटेन करनी है। मतलब सिंपली अगर हम कहते हैं कि इनिशियल मार्जिन इज 60%, ठीक है, और आपका जो मेंटेनेंस मार्जिन है आपका मेंटेनेंस मार्जिन जो है ये सपोज हम कहते हैं कि सपोज 50%। ठीक है, अच्छा, इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में डेफिनेटली अगर प्राइस डिक्लाइन करती है, ठीक है, अब सपोज प्राइस हम कहते हैं कि प्राइस डिक्लाइंस टू सपोज हम कहते हैं कि 400। अच्छा, प्राइस अगर 400 पर डिक्लाइन उस तरह से जो है वो कर जाती है, ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन डिक्लाइन करेगा, लोन तो उतना ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यह है कि प्राइस 500 पे डिक्लाइन कर गई है तो लोन तो 200 का 200 है। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली डिक्लाइन टू 200। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो प्रपोर्शन है दैट बिकम्स 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट।
तो जैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट का पार्ट टोटल इन्वेस्टमेंट के 50% को टच करेगा ना, हमें जो है वो मेंटेनेंस कॉल चली जाएगी, मार्जिन कॉल चली जाएगी हम, ठीक हो गया। तो मार्जिन कॉल जैसे ही हमें जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और पैसे देने होंगे। तो मेंटेनेंस मार्जिन बेसिकली इज दैट प्रोपोर्शन जहां तक हमें जो है वो अपने लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो ब्रोकर है वो सिक्योरिटी को बेचेगा, अपना लोन रिकवर करेगा और बाकी पैसे हमें पकड़ा देगा। बस सिंपली हमें मेंटेनेंस का, हमें मार्जिन कॉल गई, हमने पैसे जो है ब्रोकर को और नहीं दिए, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली ये है कि उसने सिक्योरिटीज को बेचा और सिक्योरिटीज को बेचने के बाद अपने लोन रिकवर किया और बाकी पैसे हमें जो है वो दे दिए। मतलब प्राइस, सपोज हम कहते हैं कि प्राइस जो है ना, प्राइस फेल टू, सपोज प्राइस ना 300 पे गिर जाती है, ठीक है। अब जब प्राइस 300 पे गिरेगी और हम पैसे उसे नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो इसमें से लोन रिकवर करेगा जो कि 200 था, प्लस इंटरेस्ट रिकवर करेगा, इंटरेस्ट एंड सर्विस चार्ज रिकवर करेगा जो कि सपोज 50 था, ठीक है, और हमें जो है वो 50 दे देगा वापस, हमें सिर्फ 50 रुपए वापस उस तरह से जो है वो मिल जाएंगे पूरी 300 की इन्वेस्टमेंट से।